तो शीट नंबर 31 पे आप चेक कर सकते हो, कॉमन पोटेंशियल का सिर्फ फॉर्मुला लिखा हुआ है, C1 V1 C2 V2 upon C1 plus C2, और प्रूफ के लिए बुकलेट रेफर करनी है, और एक्सप्रेशन फॉर लॉस एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस जब रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कैपेसिटर्स में एंड दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो लॉस ऑफ एनर्जी का ये फॉर्मूला ये हमने कर लिया। ठीक है, आपने अब ये न्यूमेरिकल करना है, ये न्यूमेरिकल आप पढ़ेंगे, इसका सोल्यूशन यहां पर गलत है, आपने अपना सोल्यूशन देना है, क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या क्वेश्चन है, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इज चार्ज्ड एज शोन, इज चार्ज्ड एज शोन, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। तो कह रहे हैं कि इसमें एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है, तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इसने बैटरी का पोटेंशियल ले लिया भी और अपने आप को फुली चार्ज कर लिया, कर लिया। फिर आपने स्विच 2 के साथ जोड़ दिया, बैटरी खत्म कर दी, उड़ा दो बैटरी। अब ये चार्ज कैपेसिटर विद अ पोटेंशियल ऑफ वी एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और जिसका पोटेंशियल 0 है, तो अनचार्ज्ड है, तो थोड़ी देर में क्या होगा, हायर पोटेंशियल बॉडी लोअर को चार्ज प्रोवाइड करेगी और दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकलेगा। फिर वो कह रहा है इस केस में परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2, तो इसकी एनर्जी में कितना लॉस हुआ, लॉस तो हुआ ही, क्यों, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर, तो इसने कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी आपको बताना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, चलो ठीक। तो कॉमन पोटेंशियल की अगर बात करें तो इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि सपोज आपके पास ये एक बैटरी है वी वोल्ट की, और आपने फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या है 2 माइक्रो फेरेड को कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ कुछ ऐसे, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल क्या लिया हुआ है इसने, वी ले लिया। अब क्या केस है, अब ये केस है कि आपके पास 2 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर है जिसके ऊपर पोटेंशियल वी है, इसको आपने 8 माइक्रो फेरेड के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका V क्या है 0। एक काम करते हैं, इसका V1 V है और इसका V2 क्या है 0, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया यहां तक? तो अब क्या होगी सिचुएशन, थोड़ी देर में आप देखेंगे जो 2 माइक्रो फेरेड है वो अटेन कर लेगा कॉमन पोटेंशियल, और जो 8 माइक्रो फेरेड है ये भी अटेन कर लेगा कॉमन पोटेंशियल ऐसे। ठीक, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करें तो C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो कॉमन पोटेंशियल में C1 की वैल्यू क्या है 2, V1 की वैल्यू क्या है V, C2 की वैल्यू क्या है 8, V2 की वैल्यू क्या है 0, 2 प्लस 8, तो आंसर क्या आ रहा है V/5। तो कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी इसमें वो आएगी V डिवाइडेड बाय 5, ऐसी यहां पर भी क्या जाएगी V डिवाइडेड बाय 5, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक, हाँ जी ठीक है यहाँ तक। अब क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है, कि आपके पास, ये मैं मिटा रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास
ये इनिशियल सिचुएशन है, ऑब्वियसली इनिशियल है ये पहले की, और ये अब फाइनल सिचुएशन है। आपको क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाएंगे, अब ये ध्यान से नोट करने वाली बात है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, इस पूरे प्रोसेस में दोनों कैपेसिटर्स ने, पूरी कॉन्फ़िगरेशन ने कितनी एनर्जी लॉस कर दी, दोनों कैपेसिटर्स ने कितनी एनर्जी लॉस कर दी। तो एक काम करेंगे, पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं, तो पहले हम इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, वो क्या, हाफ इंटू 2 × 10⁻⁶ × V² और इसकी कैपेसिटर की एनर्जी क्या थी, जीरो। फिर हम फाइनल एनर्जी निकालेंगे कैसे, हाफ इंटू C1 × common potential² हाफ इंटू C2 × common potential² ऐसे ही होगा, ½ CV² ½ CV² क्लियर है यहां तक। फिर सिस्टम का लॉस कैसे निकलेगा, सिस्टम के लॉस के लिए आप डेल्टा यू निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू UI - UF या UF - UI में आंसर नेगेटिव आएगा और UI में से UF माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पर चलो लॉस तो लॉस है। तो पहला स्टेप क्लियर, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्या करना है, तो अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी पूछता है कितना ओवरऑल लॉस हो गया, तो इतना लॉस हो गया, ये पहला आंसर होगा, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि इसके पास एनर्जी थी पहले सारी, इसके पास कुछ नहीं था, इस चार्ज्ड कैपेसिटर ने अपनी कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी इसको दे दी, ठीक, तो इसने कितनी एनर्जी इसको दी, इसको चार्ज किया इसने, पूछो जरा इससे, पूछ लो तेरे को कितनी एनर्जी मिली, तो ये कहेगा मेरे को एनर्जी मिली हाफ इंटू C × V² क्योंकि वो कहता है मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, अब मेरे पास इतनी एनर्जी है, ऑब्वियसली किसने दी, पहले वाले ने दी, डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी थी किसके पास, इसी के पास तो थी, कितनी, हाफ इंटू 2 × V² सिर्फ वी का स्क्वायर, राइट, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, राइट, और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो इसको ट्रांसफर हुई इससे, राइट, क्लियर है यहां तक। तो इस केस में आंसर बताना जरा क्या क्या आ रहा है, आंसर परसेंटेज कितना आ रहा है सॉल्व करके, एट्टी परसेंट आ रहा है क्या, 80%। अब ये ना क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या उसने सिस्टम की एनर्जी पूछी है, लॉस पूछा है, या एक कैपेसिटर का लॉस पूछा है, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शीट नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर ये रहा, इसे करना है। देखो क्वेश्चन है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल ऑफ V एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो C1 V है और C2
जीरो पे है, ठीक हो गया। वी वन वी टू क्लियर है, क्या निकालना है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी, ऑब्वियसली दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो लगा देना सी वन वी वन सी टू वी टू सी वन प्लस सी टू, तो सी वन इंटू वी प्लस जीरो पॉइंट सी वन प्लस सी टू इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब बोलेगा नहीं कॉमन पोटेंशियल, कहेगा आफ्टर पैरेलल कनेक्शन नया वी क्या होगा। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी, ठीक है, एक कैपेसिटर है उसको बैटरी से हमने चार्ज कर दिया। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमने क्या किया, बिफोर कनेक्शन इसने सी ने वी के साथ चार्ज किया और आफ्टर कनेक्शन क्या हुआ, सी जो कैपेसिटर है इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, पहला कैपेसिटर सी है इसको बैटरी ने वी दिया और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, कैपेसिटी सेम है, तो वी टू क्या है इसमें, जीरो, वी वन क्या है इसमें, वी, तो आफ्टर कनेक्शन दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो यहां से कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाओ सी वन वी वन सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई सी वन की जगह सी, वी वन की जगह वी, सी टू इन टू जीरो, सी प्लस सी, सॉल्व करके क्या आ गया, वी बाय टू, ठीक हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, वी बाय टू, वी बाय टू, तो दोनों के ऊपर वी बाय टू, वी बाय टू हो गया, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम क्या होगा, तो अब जो नया सिस्टम आएगा वो नया सिस्टम क्या है, नया सिस्टम है कि सी का पोटेंशियल क्या हो गया, वी बाय टू, और नीचे वाले सी का भी क्या हो गया, V by 2. तो नई एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या आएगी बोलो, फाइनल एनर्जी आएगी हाफ इंटू सी इंटू वी बाय टू का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू सी इंटू वी बाय टू का स्क्वायर, आंसर क्लियर है। तो फाइनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम यही होगी। अगर वो बोलता कि टोटल लॉस ऑफ एनर्जी क्या है पूरे सिस्टम में, तो फिर पहले आप क्या निकालते, इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल आपने निकाली और दोनों को क्या करते, माइनस, तो लॉस ऑफ एनर्जी आ जाती। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, अनदर कैपेसिटर 2C 2V के साथ चार्ज करवा दिया, द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, उल्टे कैपेसिटर जोड़ दिए, जबकि पॉजिटिव हमेशा किसके साथ कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव, इसने उल्टे जोड़ दिए। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं फाइंड एनर्जी ऑफ, फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, सी वन वी वन, तो पहले कैपेसिटेंस क्या है, फोर सी, पोटेंशियल है वी, और दूसरा कैपेसिटेंस क्या है, सी, और पोटेंशियल है वी। अब चेक कर लो इसमें, पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है और वी है, V है, और दूसरा 2C और 2V है, तो 2C into 2V ऐसे बोल लो, 2C into 2V C1V1 minus C into V, C1V1 minus C2V2 करना पड़ेगा क्योंकि कैपेसिटर्स इसमें उल्टे कनेक्टेड है अपॉन C1 plus C2, तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, V, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया। फाइनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होगी फिर, और टोटल एनर्जी, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, 3C,
तो फाइनल एनर्जी निकालने का तरीका ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा एक शॉर्टकट ही कर दिया वैसे तो, हाफ इंटू पहला कैपेसिटर की कैपेसिटी 2C है इंटू वी का स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल वी है, और दूसरे कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कितनी है, सी है इंटू वी का स्क्वायर, तो इन्हें ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, हाफ सी इक्वलेंट इंटू वी कॉमन का स्क्वायर। सी इक्वलेंट क्या होता है, 2C प्लस सी, बात तो एक ही है, 2C कॉमन निकालोगे सेम आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। इसके अंदर एक नोट है क्या कि एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल V है और चार्ज कैपेसिटर पे Q है। जब आपने कैपेसिटर से पूछा कि तेरे को बैटरी V वोल्ट ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, तेरे पास कितनी एनर्जी है, तो चार्ज हो गई, कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो बता तेरे पास कितनी एनर्जी है, तो कैपेसिटर बोलता है मेरे पास एनर्जी है हाफ इंटू क्यू इंटू वी। एनर्जी के तीन फॉर्मूलाज हैं, पहला फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा हाफ क्यू इंटू वी। बैटरी से पूछा जाता है कि तूने कितनी एनर्जी दी कैपेसिटर को, तो बैटरी कहती है देखो मेरे से क्यू चार्ज चला गया और मेरा पोटेंशियल है वी, तो मैंने कितना वर्क डन किया, क्यू वी। अब मिसमैच हो गया, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है क्यू वी, कैपेसिटर को पहुंचती है सिर्फ 50%, आधी कहां गई, चार्जिंग में आधी एनर्जी लॉस हो जाती है। ये ना सोचे सारी एनर्जी बैटरी की मिलेगी कैपेसिटर को, नहीं मिलती, 50% लॉस है। अभी तो वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, अगर वायर की रेजिस्टेंस हो और एनर्जी लॉस हो जाए 30-25% ही रह जाए, तो इसके अंदर एनर्जी का लॉस हो जाता है चार्जिंग में। चार्जिंग के दौरान प्लेट्स गर्म भी हो जाती हैं क्योंकि उसका पूरा पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्ट होता है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है हीट में, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाता है, तो जैसे ही वो जाएगा उसकी काइनेटिक रुकना पड़ेगा, उसे उसकी काइनेटिक हीट में या लाइट में या रेडिएशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो जो भी होता होगा हमने उस पर काम नहीं करना, पर 50% लॉस होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया इन चार्जिंग, आंसर क्यू वी। कैपेसिटर को कितनी एनर्जी मिली, हाफ क्यू वी। लॉस कितना हुआ, हाफ क्यू वी। समझ में आ रहा है यहां तक, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद अगर दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। अगर प्लेट्स एन है और ये कैपेसिटर बनाया जाए तो आंसर है एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। वो कैसे, जैसे एन में अगर आप टू पुट कर दो तो दो प्लेट्स हो जाएंगी, तो यहां पुट करो टू माइनस वन वन, सेम आंसर। तो दो है, तीन है, चार प्लेट्स हैं, तो ये फॉर्मूले को आप नोट करना है, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लेना कि एन प्लेट्स का ये आंसर है, ठीक है यहां तक।